मध्य प्रदेश के खंडवा में बीएससी बीएड के छात्रों ने परीक्षा की मांग को लेकर कॉलेज के गेट के सामने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भी जब उन्हें कॉलेज प्रबंधन से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो नाराज छात्रों ने प्रबंधक का पुतला फूंक दिया। खंडवा के पूनम चंद वोकेशनल कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान गुस्साए छात्र छात्राओं ने धरना दिया, प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोपहर 2 बजे तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो नाराज छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधक का पुतला धरना स्थल पर तैयार किया। उसके बाद पुतले को परिसर के अंदर ही फूंक दिया। इसके बाद काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। 4 बजे तक जब प्रबंधन ने कोई सुध नहीं ली तो परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रबंधक के कक्ष के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। आंदोलनकारी बीएससी बीएड की परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन हमारे भी फर्स्ट सेम की भी एग्जाम नहीं हुई है और हम कॉलेज में आते हैं प्रदर्शन करते तो उसका कोई जवाब नहीं देते। और आज भी हम सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कॉलेज प्रशासन से कोई कॉलेज से कोई ने आके बात नहीं करी हमारे से। और हम क्या करें, हम यहाँ जाए डीए वीवी तक हो आए, वहाँ जाते हैं तो कॉलेज की गलती बताते और यहाँ जाते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं डीए वीवी गलती। जैसी बीएड पाठ्यक्रम चल रहा है उसकी परीक्षाएं आज दिनांक तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की गई है, उसके संबंध में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है इसका? कारण ये जो है विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित है परीक्षा इनकी, विश्वविद्यालय जैसे ही इनकी परीक्षा की तिथि घोषित करेगा वैसी परीक्षा इनकी आयोजित हो जाएगी। लेकिन सर उनका एक साल खराब हो रहा है और अपने ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इनके यहाँ कॉपी किताब भी नहीं है, तो इस पर क्या करें? नहीं, वो सारी चीज़ें तो इनकी गलत है। बाकी इनका जो हमें अध्यापन कराना था वो भी हम करा चुके हैं, जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो हम करा चुके हैं, केवल परीक्षा के संबंध में निर्णय विश्वविद्यालय को लेना है।